हाँ तो नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग कंफ्यूज है जे आपको ASUS ZENFONE AR लेना है या फिर Xiaomi 5X लेना है, तो इसका कंफ्यूजन मैं आज आप लोगों का दूर करने वाला हूँ। तो इसके लिए बने रहिए, प्लीज़ वीडियो को बंद मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी मज़ेदार और टेक्नोलॉजी से भरे वीडियोज़ के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक काम करते हैं, कॉन्ट्रोवर्सियल जो मैंने क्वेश्चन किया था मेरे टाइटल में उसको पहले हटा देते हैं। तो मैंने जो किया था वो है इंडिया वर्सेस चाइना का एक ब्रैकेट में डाला था। इसका मतलब क्या, इंडिया वर्सेस चाइना मतलब इंडिया के कुछ वैसे लोग कह रहे हैं जे चाइना का जो प्रोडक्ट है, चाइना के जो फोन्स हैं, उन सबको यहाँ से बॉयकॉट करना चाहिए जाते यहाँ के इंडियन कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए जे आप लोगों को क्या लगता है जे इंडिया में से चाइना के कुछ फोन्स या फिर चाइना के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट होने चाहिए कि नहीं। इसका प्लीज़ मुझे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है जे क्यों, हाँ आप लोगों को लगता है जे आपको होना चाहिए बॉयकॉट तो क्यों, और अगर नहीं लगता है जे नहीं हम ये हमें चाहिए तो भी क्यों। बेसिकली ये स्मार्टफोन्स चाइना के ही सबसे अच्छे होते हैं, इंडिया के स्मार्टफोन बस चाइना के या फिर किसी दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों को दो फोन्स का कंपैरिजन देने वाला हूँ। ये इंडिया और चाइना के फ़ोन नहीं है, ये दोनों ही चाइना के फ़ोन्स हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जो ASUS ZENFONE AR आपको लेना चाहिए या फिर Xiaomi 5X, Xiaomi Redmi 5X। देख लेते हैं कौन से में क्या ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है और प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो ASUS ZENFONE AR की जो प्राइसिंग है वो 49,999 रुपीज़ की है, जो कि काफ़ी हाई प्राइसिंग एक फ़ोन है। और वहीं पे जो Xiaomi का फ़ोन है, जो Xiaomi Redmi 5X है, उसका जो प्राइसिंग हुआ है 17,700 रुपीज़ की। तो ये काफ़ी ऊपर नीचे का प्राइस है, काफ़ी हाई प्राइस और लो प्राइस में। मैंने इसको स्पेशली चुना है ये प्राइस डिफरेंस कितना फ़ोन के ऊपर इफेक्ट करता है ये पहले देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइस का तो काफ़ी डिफरेंस है, इसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन में है वो आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, आपका जो Xiaomi का जो फ़ोन है उसका जो स्क्रीन साइज है वो 5.5 इंचिस का स्क्रीन है, और जो ASUS का फ़ोन है उसका है 5.7 इंचिस का। जो कैमरे की मैं बात करूँ तो प्राइमरी कैमरे में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है Xiaomi के फ़ोन में, और वहीं पे आपको ASUS के फ़ोन में आपको 23 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। ये काफ़ी डिफरेंस है इसमें। साथ ही साथ आपको जो Xiaomi का फ़ोन है उसमें आपको 4GB इसका रैम मिलता है Xiaomi 5X में, और वहीं ASUS AR में ZENFONE AR में आपको 8GB इसका मतलब पूरा डबल रैम मिलता है। ये काफ़ी एक हाई जंप है। और साथ ही साथ आप लोगों को बैटरी की मैं बात करूँ तो बैटरी आपको लगभग एक समान ही मिलता है, क्योंकि आपको Xiaomi के फ़ोन में आपको 3080 की बैटरी mAh की बैटरी मिलती है, और वहीं आपको ASUS के फ़ोन में 3300 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर। इन दोनों फ़ोन्स में आपको GSM, CDMA, HSPA और LTE का सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ आप लोगों को इसमें काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इसके जो डुअल सिम्स है, ये दोनों ही सिम दोनों में ही डुअल सिम नैनो सिम है, दोनों ही स्टैंड बाई सिम्स है, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलता है आपको दोनों में ही। इसमें एक में आपको 1080p का डिस्प्ले मिलता है मतलब फुल HD का, और एक में 1080p का नहीं मिलता है, आपको थोड़ा अजीब सा नंबर मिलता है आपको वो 1440x2560 pixels का एक अजीब सा थोड़ा नंबर मिलता है। इसके अलावा आपको दोनों में एक में आपको मिलता है एंड्रॉयड न्यूगार्ड 7.1.1 और दूसरे में आपको एंड्रॉयड न्यूगार्ड का 7.0 का वो का आपको सपोर्ट मिलता है। क्वालकॉम का प्रोसेसर दोनों में है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। यहाँ पर फ़र्क क्या है, ये है जे आपको Xiaomi के फ़ोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलता है, वहीं आपको ASUS के फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी एक बड़ा जंप है। आपको प्रोसेसर का ऑक्टा कोर में दोनों नहीं मिलता है, एक आपको ऑक्टा कोर का मिलता है Xiaomi का जो है,
जो प्राइस कम है उसमें आपको ऑक्टा कोर मिलता है, लेकिन आपको जो आसूस का जो फ़ोन है उसमें आपको क्वाड कोर का मिलता है, और दोनों का गीगाहर्ट्ज़ थोड़ा लगभग सेम ही है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा अलग नहीं है। और इसके अलावा आपको इसमें दोनों में जो एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि आपको Xiaomi के फ़ोन में आपको 128 GB का मैक्सिमम एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलता है, और वहीं पे आपको ASUS के फ़ोन में आपको इसमें 256 GB का एसडी कार्ड सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और रैम की तो बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसमें दो वेरिएंट्स है। Xiaomi का जो फ़ोन है उसमें आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और जो ASUS का फ़ोन है उसमें आपको कुछ वेरिएंट्स मिलते हैं, आपको 64 GB, 128 GB और 256 GB का आपको स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। ये काफ़ी फ़र्क है इन दोनों में, तो इन सब को मिला के आप लोगों को काफ़ी दोनों में ही काफ़ी अच्छा, आपके बजट के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा फ़ोन्स मिलते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें देखने लायक। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक पूरा एकदम कट टू कट हेड टू हेड मिल जाए, तो आप लोगों को खुद से भी बहुत रिसर्च करना होगा। इसमें सेंसर्स की बात करूँ तो आपको जो Xiaomi का जो फ़ोन है उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी कॉम्पास ये सब मिल जाता है आपको बहुत ही आसानी से। और इसके अलावा जो आपका जो ASUS का जो फ़ोन है उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी कॉम्पास और एक और एक्स्ट्रा मिलता है बैरोमीटर का, जो कि कहाँ काम आता है मुझे अभी तक ज़्यादा पता नहीं है, वो कम ही काम आता है, लेकिन फिर भी है उसमें एक एक्स्ट्रा। इसकी फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो आपको दोनों में ही 80% फास्ट चार्जिंग मिलता है किसी भी नॉर्मल फ़ोन के मुकाबले, और भी बहुत कुछ है। नॉन रिमूवेबल बैटरी, दोनों में ही नॉन रिमूवेबल बैटरी है, लेकिन नॉन रिमूवेबल बैटरी अभी काफ़ी आम हो चुका है यहाँ पर, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा था जी, आज इन दोनों का कंपैरिजन है और दोनों में प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, और मेरा जो सवाल था जी क्या प्राइस के डिफरेंस से फ़ोन में ज़्यादा बहुत स्पेसिफिकेशन में बहुत डिफरेंस आ जाते हैं, जी हाँ ये काफ़ी आता है। और फिर भी इसके अलावा भी Xiaomi जो कम प्राइस का है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स है, जैसे ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है जो कि ASUS के इतने प्राइसिंग हाई प्राइसिंग फ़ोन में नहीं है, वो क्वाड कोर का प्रोसेसर है। तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क है, कुछ कम है, कुछ समान है, और कुछ में बहुत ही ज़्यादा जंप है, एक 4GB रैम एक 8GB रैम। तो आप लोगों को डिसाइड करना है आप जस्ट कौन सा आप लेना चाहेंगे। अगर आप लोग हाई प्राइसिंग फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ASUS लेंगे, लेकिन मेरी राय में अगर आप लो प्राइसिंग में रहना चाहते या फिर हाई प्राइसिंग में होने के बावजूद भी अगर आप Xiaomi लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि आपका इसमें प्रोसेसर और बैटरी लगभग सेम ही है, बैटरी तो मैंने बता दिया है सेम है। तो अगर आप लोग मेरा कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप लोग ASUS का फ़ोन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ज़बरदस्ती इतना प्राइस से ना ले, आप Xiaomi का फ़ोन ले ले तो आपको काफ़ी अच्छा प्राइस में भी मिल जाएगा, और ये काफ़ी आपका काम भी बहुत सारा काम सारा भी कर देगा, क्योंकि Xiaomi के फ़ोन आजकल काफ़ी चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी मर्जी है तो मैंने दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको जो पसंद है आप वो परचेस कर सकते हैं, मैंने अपनी राय दे दी है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ बताना है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। मैंने जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा था जो इंडिया वर्सेस चाइना का जो भी था कॉन्ट्रोवर्सियल, वो उसका आंसर भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और क्यों आप ऐसा सोचते हैं वो भी बताइए मुझे। तो दोस्तों अगर एक और बात, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नीचे वाले बड़े से बटन को दबा के। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, गुड बाय।